इल्दार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। तारीखी इमारात कदीम लाहौर मिट रहा है। मोहम्मद जमील खान मैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है और हमें लाहौर में मौजूद दरवाजे, मज़ार और बहुत सी ऐसी जगहें जो हैं उनसे मुतारफ़ करवाया है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं तो अगला जिक्र है हज़रत सैयद याकूब जंजानी अल मशहूर सदर दीवान साहब। हज़रत सदर दीवान साहब ईरान के शहर जंजान से ताल्लुक़ रखते थे। आप 535 हिजरी में मुअज़्ज़ज़ुल दौला बहराम शाह गज़नवी के साथ लाहौर में आए। सफ़ीनतुल औलिया में दारुल शुकूह यूँ तहरीर फरमाते हैं, आप 3 आदमियों के साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, जिनमें से एक सैयद हुसैन जंजानी जिनका मज़ार मीरांदे खुई में है, दूसरे याकूब जंजानी, तीसरे सैयद इसहाक जंजानी, चौथे हजरत शेख अल हक जिनका मज़ार सियालकोट में है। चारों हजरात 535 हिजरी में लाहौर वारद हुए। जब लाहौर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ लाए तो उन्होंने हजरत अली हजवेरी के मज़ार पर चिल्ला काटा, इन हजरात से मुलाकातें की, आपकी बाहमी सोहबतें रहीं और फिर अजमेर रवाना हो गए। बल्कि एक जगह ये भी लिखा है कि आपके मज़ार पर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत अली हजवेरी की तरह इतकाफ़ किया था। आपका वसाल 604 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार सराय रतन चंद की मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से में वाक़ है। रास्ता हस्पताल रोड से एक छोटी सी गली बराबर सराय रतन चंद आपके मज़ार तक जाता है। लेडी एचएसएन हस्पताल की दीवार भी आपके मज़ार से मुलहका है। मज़ार का दरवाज़ा मशरकी सिमत है। अंदर दाखिल होते ही सहन आता है। चबूतरे पर आपका मज़ार है जिसके इर्द गिर्द पत्थर की जाली लगी है। पांव की सिमत चंद कबूर भी हैं। सरहाने की तरफ लोग अकीदतन चराग जलाते हैं। आपके साथ एक और कब्र भी है और साथ ही मुलहका एक छोटी सी मस्जिद है। बैरूनी हुजरे के मुतालिक मशहूर है कि यहाँ हजरत मोइनुद्दीन अजबेरी ने इतकाफ किया था। मज़ार के साथ मुलहका काफ़ी ज़मीन थी जो कि रतन चंद बाग में शामिल कर ली गई। कुछ पर मकानात तामीर हो गए। अब मज़ार सिमट कर सिर्फ एक छोटे से अहाते तक महदूद रह गया है। सहन का फर्श पक्का है। अब बारी आती है मोती दरवाजे की। शाह आलम दरवाजे के बाद मोची दरवाज़ा आता है। असल में इसका नाम मोती दरवाज़ा था क्योंकि अकबर बादशाह के अहद में यहाँ एक हिंदू मोतीलाल दरवाजे की हिफाजत पर मामूर था जो कि सारी उम्र इस काम पर रहा। इसकी वजह से इसका नाम भी मोती दरवाज़ा पड़ गया। लाहौर के दूर दराज के हिस्सों को लोगों के पेशों से बड़ी मुनासबत है, जिनका अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो बात काफ़ी हद तक ठीक ही नज़र आती है, क्योंकि जिन दरवाज़ों के नाम पेशों के एतबार से हैं वहाँ इस पेशे के लोग भी दिखाई देते हैं। जैसे लाहौरी दरवाज़े के बाहर लोहार आले बनाने वाले खासी तादाद में बैठते हैं और मोची दरवाज़े के बाहर चमड़े की दुकानें हैं। इस तरह यक्की दरवाज़े के बाहर लातादाद यक्के टांगे खड़े नज़र आते हैं और इसके अलावा इनकी दुकानें भी हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं के नाम से लोगों ने इनके नाम भी बदल दिए हों। इशारतन लोग कहते कहते यही नाम पक्के हो गए हों और इस तरह इसका नाम भी मोची दरवाज़ा बन गया हो। आजकल दरवाज़ा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसके हुजरों में पुलिस चौकी कायम है और इसके अंदर मस्जिद साले मोहम्मद कम्बू है। मस्जिद साले मोहम्मद कम्बू के बारे में आप क्या कहते हैं? ये मस्जिद साले मोहम्मद कम्बू ने 1070 हिजरी यानी 1659 में अपनी ज़िंदगी में बनवाई थी। आपकी वफ़ात के बाद आपको यहीं दफन किया गया था, लेकिन बाद में आपको आपके मकबरे में ले जाकर दफन कर दिया गया। ये मस्जिद मोची दरवाजे के ज़रा ही अंदर दाखिल होते ही 2 सड़कों के संगम पर वाक़ है। 5 सीढ़ियाँ चढ़कर सहन शुरू होता है। मस्जिद की अंदरूनी छत पर नहायत खूबसूरत मसवरी का काम है। अगरचे रंग काफ़ी फीके पड़ चुके हैं लेकिन अब भी अच्छी हालत में हैं। इससे जाहिर होता है कि अपने ज़माने में फन मसवरी का एक आला नमूना होगी। दरमियान वाले गुंबद के नीचे उम्दा किस्म की बेलकारी का नमूना और अतराफ 2 गुंबदों के नीचे बेलकारी के झुरमट में आयात कुरान पाक गोलाई में नहायत खूबसूरती से लिखी हुई हैं, जो कि फन खताती का उम्दा नमूना है। अंदरूनी दीवारों पर भी बेल बूटे बने हुए हैं। मेहराब के ऊपर वाली तहरीर मिट चुकी है।
मगर इस नमूने पर दोबारा आयात पाक लिख दी गई हैं। शुमालन जनूबन दो खिड़कियां हैं, जिनमें से शुमालन खिड़की बंद और जनूबन खुली है। बैरूनी सहन का फर्श ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मौजूदा इंतज़ामिया ने नया फर्श बनवाया है और मज़ीद मरम्मत जारी है। इमाम मस्जिद का हुजरा 6 सीढ़ियां चढ़कर मस्जिद के मशरकी कोने में मौजूद है। इसके दरवाजे के ऊपर भी आयत पाक लिखी हुई हैं। गालबन हो सकता है कि पहले मोहम्मद साले को यहाँ दफन किया गया हो। ये मस्जिद के मशरकी कोने में मौजूद हैं। इस मस्जिद के 3 गुंबद हैं। दरमियान वाला गुंबद बड़ा है। मस्जिद के दरवाजे पर मस्जिद का नाम और तामीर करने वाले का नाम अब आधे से ज़्यादा पिट चुका है। लेकिन मौलवी नूर अहमद चिश्ती लिखते हैं कि मस्जिद के बैरूनी दरवाजे पर मस्जिद की तामीर और मोहम्मद साले का नाम लिखा हुआ था। सहन में जनूबी सिमत एक और छोटा सा हुजरा है। मस्जिद ज़रा बुलंदी पर वाक़े है, इसके नीचे दुकानें हैं। वहाँ से घूमते घामते हम अब आ चुके हैं चेम्बरलेन रोड पर, जहाँ पे है ताज शाह। आप एक मस्त फ़कीर गुजरे हैं। आपने 102 साल की उम्र में बिसाख 1900 मुताबिक 1260 हिजरी को वफात पाई। हर साल इसी तारीख को आपका उर्स होता है। ये मज़ार चेम्बरलेन रोड पर मस्जिद ताज शाह में वाक़े है। आपका मज़ार मस्जिद में दाएं सिमत 7 सीढ़ियां नीचे उतर का है। आपके पैरों की सिमत 2 और मज़ार नामालूम अशखास के हैं। ये मज़ार अलग अलग बुलंद चबूतरों पर वाक़े हैं। किताबों में मज़ार के साथ मस्जिद का जिक्र नहीं मिलता, जिससे अंदाज़ा होता है कि मस्जिद बाद में तामीर हुई। मस्जिद का सहन काफ़ी खुला है। चारों सिमत दालान बने हुए हैं। मगरबी सिमत बाहर की तरफ दुकानें बनी हुई हैं। इनका किराया मस्जिद को मिलता है। मस्जिद का फर्श चिप्स का है। पास ही पुराने कुएं के आसार हैं, जिससे पता चलता है कि शायद ये कुआं उसी ज़माने का हो। चंद साल पहले सब्ज़ी मंडी होती थी, जो कि शहर से बाहर मुंतकिल हो चुकी है। अगले बाज़ार का नाम है लंडा बाज़ार। इसका नाम तो बहुत सुना है, देखा नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों ने देखा ना हो, लेकिन उस बाज़ार से जो ताल्लुक़ है, अक्सर यही समझा जाता है कि वहाँ पे वो समझ लीजिए कि कपड़े वगैरह मिलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन किताब से पता चलता है कि वहाँ पे और क्या था। सराय सुल्तान। ये सराय मियाँ सुल्तान ने बनवाई, जो कि एक गरीबुल वतन कश्मीरी थे। उसके तफसीली हालात मशाहिर कश्मीर और तारीख अक़वाम कश्मीर जल्द में दर्ज हैं। उसने मेहनत मजदूरी करके ईंटों का भट्टा तामीर करवाया, क्योंकि उसे पहलवानी से भी दिलचस्पी थी। इसलिए अपनी पहलवानी की बदौलत महाराजा शेर सिंह उर्फ महाराजा रंजीत सिंह से इनाम और इकराम के अलावा एक घोड़ा भी हासिल किया। और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि ये गरीब आदमी लाहौर का बेताज बादशाह बन गया। साबित हुआ कि मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता। 5 फरवरी 1856 के अखबार कोहेनूर लाहौर में एक खबर दर्ज है, इसके मुताले से मियाँ सुल्तान की आली हौसल की मनकसर मिजाजी पता चलता है। एक अखबार की सुर्खी थी कि आज यानी मंगल गुज़श्ता को यहाँ सुल्तान ठेकेदार को बरूए खुशनुदी सरकार खेलत मिलेगा। मियाँ मोहम्मद सुल्तान ने एक आली शान सराय बैरून दहली दरवाज़ा बनाई, जिसके वस्त में एक बड़ी मस्जिद है और अतराफ में मुसाफिरों के लिए पुख्ता कमरे बनवाए गए हैं। इसके 4 दरवाजे थे। जिस जगह ये सराय बनी है, किसी ज़माने में यहाँ मुल्ला शाह काकू चिश्ती का मोहल्ला था। यहाँ दारा शिकोह ने काश का बाज़ार बनाया था। शहजादी नादरा बेगम ने यहाँ एक मस्जिद भी बनवाई थी, जो कुदसिया बेगम की मस्जिद के नाम से मंसूब है। यहाँ अब पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यहाँ कभी आसिफ खान वगैरह की हवेलियाँ भी हुआ करती थीं। बाद में दारा शिकोह ने भी यहाँ रहाइश रखी। आसिफ खान दारा शिकोह का नाना भी था। दारा शिकोह ने यहाँ बाग भी बनवाया, जो बाद में मिर्जा कामरान के बाग के नाम से मशहूर हुआ। शाह काकू चिश्ती का मज़ार इस बाग में आ गया, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन तहकीकात चिश्ती में इसका जिक्र मिलता है। जब बागात वगैरह तबाह हो गए, तो यहाँ मियाँ सुल्तान मोहम्मद ठेकेदार ने सराय तामीर करवाई, जो कि सराय सुल्तान के नाम से मशहूर हुई। लाहौर का रेलवे स्टेशन इब्तदा में इसके हाथों तामीर हुआ, हिस्ट्री ऑफ लाहौर में लिखा है। इस इमारत का नक्शा W. ब्रिटन CE ने बनाया और उसे जलीलुल कदर ठेकेदार पार्क मास्टरी मोहम्मद सुल्तान ने तामीर किया।
संगे बुनियाद सर जॉन लॉरेंस, बाद में लॉरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब ने 1859 में रखा और आम पब्लिक के लिए पहली ट्रेन 1860 में लाहौर से अमृतसर तक चली। तमाम इमारत कलानमा और नहायत नफीस होने के अलावा काश्तकारी का एक पायदार नमूना थी। इस पर तकरीबन 5 लाख रुपए सर्फ हुआ था। आओ, उन दिनों के 5 लाख की आज क्या कीमत होगी भला। अटक का पुल भी उसने बनाया था, लेकिन दोनों ठेकों में अफसरों के इख्तलाफ राय की वजह से बहुत खसारा हुआ और आखिरकार अपनी तमाम जायदाद महाराजा रंजीत सिंह ऑफ जम्मू कश्मीर के पास 5-6 लाख में रहन रखनी पड़ी। महाराजा ने इसकी जिंदगी में 500 रुपया माहवार वजीफा मुकर्रर किया। मियां मोहम्मद सुल्तान 4 फरवरी 1876 में फौत हुए। इनकी कब्र मियानी साहब के कब्रिस्तान में हजरत ताहिर बंदगी के मजार से जनूबी सिमत कोई 100 गज पर लबे सड़क की सड़क है वहाँ मौजूद है। कब्र के सरहाने कुतबे पर लिखा है, मियां मोहम्मद सुल्तान मरहूम बानी सराय सुल्तान लंडा बाजार, तारीख वफात 4 फरवरी 1876, बमुताबिक माह रमजान 1294 हिजरी, बहुक्मे जनाब साहब बहादुर कमिश्नर लाहौर 1903। इससे जाहिर होता है कि कमिश्नर की हदायत पर यह कब्र 1903 में बनी। मियां सुल्तान की कब्र के कदमों की तरफ बरे सगीर के मशहूर पहलवान की कब्र है, जिस पर लिखा है, मियां मोहम्मद बूटा पहलवान रुस्तमे हिंद, उम्र 60 साल, 17 अप्रैल 1904। मोहम्मद सुल्तान की कब्र मियानी साहब के कब्रिस्तान में अहाता मोहम्मद सुल्तान में थी, जिसमें उसने एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी। अहाता तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मस्जिद अब भी कब्र के करीब मौजूद है। अब सराय सुल्तान तक एक रास्ता ब्रांडरथ रोड, दूसरा लंडा बाजार से जाता है। इसके 4 दरवाजे अब भी हैं। अंदर बहुत बड़ा सहन है, दरमियान में मस्जिद है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, लेकिन सराय रतन चंद की तरह यहाँ भी लोगों ने कारोबारी जिंदगी शुरू किया हुआ है। एक दरवाज़ा लंडा बाजार के आखिर में, तीसरा ब्रांडरस रोड की तरफ खुलता है। एक बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी मकानात इसमें तामीर किए जा चुके हैं। सराय अब बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ बन चुकी है। कभी यहाँ लारियों का अड्डा भी हुआ करता था, अब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का कारोबार जिंदगी हो रहे हैं। दरवाज़ों में दुकानें और दफातर बन चुके हैं। इसके बड़े बड़े दरवाज़ों से इसकी अजमत का पता चलता है। सराय सुल्तान रतन चंद भी सराय से काफ़ी मुशाबत है। चलिए अब चलते हैं अकबरी दरवाजे की तरफ। मोची दरवाजे के बाद अकबरी दरवाज़ा आता था। ये दरवाज़ा जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने बनवाया था, जो उसी के नाम से मौसूम हुआ। उसके साथ ही अकबर ने एक गल्ला मंडी भी बनवाई, जो उसके नाम से मशहूर है। अकबरी मंडी का बहुत बड़ा और अजम 2 मंजिला दरवाज़ा था, जो कि कायम पाकिस्तान के बाद गिरा दिया गया। ये दरवाज़ा मैंने भी देखा है, जमील साहब कहते हैं, मेरी बात नहीं हो रही। ये दरवाज़ा मैंने भी देखा है, इसके साथ हिजरों में अब पुलिस चौकी कायम है। हजरत शाह मोहम्मद गौस कादरी के बारे में क्या लिखते हैं, आप पेशावर के रहने वाले थे, आपके वालिद का नाम सैयद हसन और आपके बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब गिलान से आए थे। आपने पेशावर में सकूनत अख्तियार कर ली। आपका शजरा नसब 17वीं पुश्त तक हजरत महीद्दीन अब्दुल कादिर जलानी तक पहुंचता है। हजरत शाह मोहम्मद चूंकि मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत के बाद लाहौर में अकामत रखते थे, इसलिए लाहौरी कहलाए। आपके दूसरे भाई शाह मोहम्मद फाजिल ने, इनका मजार श्रीनगर के महल्ले में ज्यारत दस्तगीर के अंदर है, कश्मीर में सकूनत अख्तियार कर ली थी, इसलिए वो और उनकी औलाद कश्मीरी कहला रहे हैं। आप सिलसिला कादरिया से रखते थे। आप हजरत मियां मीर साहब से ख्वाब में फैजियाब हुए, इसका इजहार आपने अपने तसनीफ किए हुए रसाला गौसिया में किया, जिससे जाहिर होता है कि आपको इल्म से भी काफ़ी शौक था। आप 1172 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए। बैरून अकबरी दरवाज़ा जो कि अब ख़त्म हो चुका है और दिल्ली दरवाजे के दरमियान मशरक़ की सिमत 2 सड़कों के दरमियान आपका मज़ार है। मज़ार का दरवाज़ा भी मशरक़ की सिमत है। दरवाजे के दाखिल होते ही मस्जिद का बड़ा सा सहन शुरू हो जाता है। बाएं जानब वजू करने के लिए तालाब बना हुआ है। तालाब के अलावा वजू के लिए नल भी लगे हुए हैं, साथ ही पानी पीने की सबील है। बाएं तरफ छोटा सा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के साथ ही दीवार के साथ हजरत शाह मोहम्मद गौस का मज़ार मुबारक है और इसका दरवाज़ा मस्जिद के सहन में से है।
संगमरमर के एक खूबसूरत चबूतरे पर मज़ार है, एक हज़रत शाह साहब का, दूसरा हज़रत सैयद मोहम्मद गौस आरफ का है। खुतबे पर ये अल्फाज कुनंदा हैं, दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद गौस चबूतरे के ऊपर मज़ार के इर्द गिर्द चारों तरफ संगमरमर की खूबसूरत जाली है। आपके सरहाने की सिमत बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए एक छोटा सा मदरसा है और सरहाने बाएं जानब एक मज़ार है जो कि नया तामीर शुदा है। यह मज़ार हज़रत सैयद तजम्मल हुसैन शाह का है। हज़रत शाह मोहम्मद गौस के मज़ार का सारा सहन संग स्याह और सफ़ेद से बना हुआ है। मज़ार के बाएं जानब एक सरवरी है और इससे मुलका एक छोटा सा हुजरा है। ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए पंखों और रोशनी का इंतज़ाम भी किया गया है। अब बारी आती है दिल्ली दरवाजे की। कदीम वक्तों में शहरों की मुनासबत से भी अक्सर नाम रख दिया करते थे, जैसे कि दिल्ली, मुल्तान और पटियाला वगैरह में लाहौरी दरवाजे मौजूद हैं क्योंकि उनका रुख लाहौर की सिमत है। जब ये दरवाज़ा बना तो उसका रुख भी दिल्ली की सिमत होने की वजह से इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। इसमें से जो सड़क गुजरती है वो किला लाहौर से सीधी यहाँ से गुजरकर चौक दारा शिको जो कि स्टेशन के करीब से होती हुई दिल्ली की तरफ जाती थी। दो मंजिला बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसमें दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, इसमें पुलिस रहती है। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी तर्ज पर बना हुआ है। इसके साथ ही वजीर खान के हमाम थे जिनमें लाहौर कॉरपोरेशन का हेल्थ दफ्तर कायम है। बैरूनी सिमत अब लोगों ने दुकानें सी बना ली हैं और दाएं सिमत एक नामालूम बुजुर्ग का मज़ार है। दरवाजे को दो बार सुल्तान ठेकेदार ने अंग्रेजी अहद में अपनी जेब से तामीर करवाया। अंदरून दरवाज़ा मस्जिद वजीर खान है। आगे जिक्र करते हैं पीर जकी शहीद का। राय कन्हैया लाल ने लिखा है कि जिन आयाम में मुगलों ने लाहौर का मुहासरा किया और अहले लाहौर ने शाही फौजों के साथ मिलकर इनसे जंग की तो पीर जकी भी इनमें शामिल थे। इन दिनों शहर का एक दरवाज़ा यहाँ भी होता था जहाँ आपका मज़ार है। मज़ार के ऊपर खुतबे पर तोहफतुल वासलीन के हवाले से लिखा है कि जब मुगलों ने लाहौर पर हमला किया तो पीर सकी इस जगह बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हुए। यहाँ तक कि लड़ते लड़ते आपका सर आपके तन से अलग हो गया, लेकिन फिर भी आप जब तक ठंडे न हुए आप बगैर सर के भी लड़ते रहे और बिलाखर दरवाज़ा के दरमियान में ही गिर कर शहीद हो गए। आपके सर मुबारक को दरवाजे के दरमियान दफन कर दिया गया और आपका जिस्म मुबारक दरवाजे के बिल्कुल अंदर दाई जानब एक अस्तबल में दफन है। ये चकोर कमरा है जिसकी छत में से बड़ का एक बड़ा सा दरख्त का तना गुजरता है। दरख्त का साया हर वक्त मज़ार को ढांपे रखता है। क्योंकि मुगलों के हमले हिंदुस्तान पर 642 हिजरी से 790 हिजरी के दरमियान में हुए, इसलिए यही ज़माना आपका भी होगा। इसके अलावा इस मामले में तारीख बिल्कुल खामोश है। आपके नाम से इस दरवाजे को जकी दरवाज़ा कहते हैं जो कि बिगड़ कर यकी दरवाज़ा हो गया। महाराजा रंजीत सिंह ने शहर चारों अतराफ जब पुख्ता दीवार बनवाई तो बाकी दरवाज़ों की तरह जकी दरवाजे पर भी पुल बनवा दिया जो कि बाद में अंग्रेज़ों ने गिरा दिया। भादों के तीसरे इतवार को आपका उर्स होता है जिस पर कुरान खानी और कवाली भी होती है। आज तो लाहौर की थोड़ी सी ज़्यादा सैर हो गई। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक इजाज़त दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।